बॉबी देओल, हाँ बॉबी बॉबी देओल के इतने सीन नहीं थे इसमें, पर बॉबी देओल ने जो कमबैक मतलब बॉडी बनाई है वो बहुत अच्छे, मतलब बॉबी देओल की आवाज़ सुनने नहीं मिली सिर्फ इस पे। हाँ बॉबी देओल इतना अच्छे लगे लेकिन आवाज़ नहीं सुना। उनका इशारा समझ में आया। उन्होंने अपनी बॉडी पे काम किया है बॉबी देओल ने, बॉडी लुक अच्छा था इस बार। हाँ एंट्री अच्छी थी बॉबी देओल की, तीन बीवियाँ थी तीनों अच्छी थी। मस्त एक्टर है, एक्टर बहुत खतरनाक है। बॉबी देओल किलिंग है, विलन के सबसे किलिंग है। बहुत अच्छा, मेरे को उनका रोल ऐसा लगा आश्रम टाइप, आश्रम में भी वो जैसा थे वैसा ही लगा, बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगा वाह विलन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, सुपर वन नंबर, मस्त था। मतलब जिसमें जो बॉबी देओल और रणबीर कपूर का जो फाइट होता है वो वाला मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और प्लस बीच में रणबीर कपूर जो मारता नहीं है वो सब लेके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा एक्शन में सब। बॉबी देओल ने निराश कर दिया मुश्किल से मूवी में 10-15 मिनट के लिए ही है, बहुत निराश कर दिया बॉबी देओल ने इसलिए, और एक भी डायलॉग नहीं है। बहुत अच्छी लगी है, और बॉबी देओल जी की भी एक्टिंग, बॉबी देओल का काम इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है लेकिन ठीक है। देओल भाई बाप बाप। बॉबी देओल ने अपना करियर नेक्स्ट लेवल विलन जैसा सेट कर लिया है, मोर देन रणबीर कपूर बॉबी देओल विल हाईलाइट यू इन द मूवी। बॉबी देओल का सीन जो है बस एक नंबर, एक नंबर कड़क। बाप के लिए एकदम पागल हो, एकदम पागल, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, एक नंबर। और हीरोइन बॉबी का रोल ज़्यादा अच्छा था, बॉबी ज़्यादा अच्छा था पिक्चर में। बॉबी का पूरा रोल पकड़ ले तो 15 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं है, 3.5 घंटे का पिक्चर, बॉबी का रोल 15 मिनट का है सिर्फ, और वो ज़्यादा अच्छा था तो फिर 5 स्टार, खतरनाक पिक्चर, बहुत भयंकर, थैंक यू। बॉबी का रोल बहुत कम था, यानी कैमियो जैसा ही था उसका रोल, जैसा जो अभी अपन ने इसमें देखे थे प्रमोशन वगैरह में, जितना बॉबी को दिखा रहे थे पिक्चर में उसका आधा भी बॉबी नहीं था और होना था तो, पर उस साइलेंट किलर था बहुत, बॉबी खतरनाक था और एक बहुत खतरनाक सस्पेंस है, बहुत जोरदार कैरेक्टर मिला पर बॉबी देओल को, उसका और रोल रहता था और अच्छा लगता था। मानता नहीं बॉबी देओल तो लाइक ही हैज टू लाइक डाई, सो दैट इज द मूवी इज ऑल अबाउट। लिया हनीमून उनके बन रहे लाइक हवाई जहाज में हनीमून, लाइक फुल ऑन केमिस्ट्री लव रश्मि। बॉबी का लाइक बहुत ही कम किरदार लगा यार बॉबी भाई का, मुझे लगा लाइक यू एट द एंड ऑफ द डे यू वर एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम बॉबी देओल, कि उनका जो स्क्रिप्ट है हैज अ गोस्ट के तौर पे उनको दिखाया गया है, बस आए एक शादी में आए मर्डर कर दिए चले गए, फिर एंडिंग में फाइटिंग यू द डॉन, ही वॉज लाइक डॉन जिसकी वजह से ये वॉर चालू, एक महाभारत चालू, उसे दिखाया उसके खानदान के फैमिली का कोई फैमिली अंकल विंकल का लड़का है जिसके जो रणबीर कपूर के डैडी के ऊपर हमला कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे ऑल इन अ फैमिली, बस उसका ही किरदार लाइक वी वर शॉर्ट ऑफ द किरदार। मतलब ये थोड़ा चीटिंग किया गया मूवी में आने में, डायरेक्टर ने हमारे साथ थोड़ा चीटिंग किया भाई, कंप्लीटली चीटिंग किया। यू एक्सपेक्टिंग लाइक जो पोर्ट्रेट जिस तरह से डिलीवर किया बॉबी देओल, लाइक कमिंग बैक, हम लोग बॉबी देओल को देखना चाहते थे लाइक धासू जो फाइटिंग वो जो अच्छा दिखाया, लेकिन बट स्टिल जो बोल रहे ना जो मिसिंग है बॉबी देओल का जो एक्टिंग जो कर रहा है उसमें उनको गूंगा दिखा दिया, व्हाट क्या है ये यार, गूंगे में भी बहुत किस्म लाना रहता है लेकिन लाइक वो नहीं मिल पाया टच। बहुत बढ़िया, अच्छा फर्स्ट क्लास, वो बॉबी देओल वाला लास्ट वाला बेस्ट, लास्ट में जो फाइटिंग हुई बॉबी देओल, बॉबी देओल को प्रमोट किया है इतने दिन के बाद में, बहुत मैं बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन बनाया भाई फिल्म, और लोगों को तो एक बार देखना। बॉबी देओल का तीन ही सीन है लेकिन बंदे को जो भी मिला है ना उसने सोना कर दिया उसका। हमारे बॉबी भाई, ये बैंड्रा वाले नहीं, हमारे बॉबी देओल वो आते हैं स्क्रीन पे भाई, फिर मुझे लगा कि अब मूवी में मज़ा आएगा। संदीप रेड्डी वांगा ने जान फूंक दिया उसके ऊपर, जो बॉबी भाई की इंटरव्यू होती है ना भाई, बंदा ना वो 5 मिनट का जो एक्शन सिक्वेंस था ना, वो जो उसका एक्सप्रेशन था ना, सुहागरात मना लिया भाई, वो मर्डर करके डायरेक्ट सुहागरात मना लिया, पूरा भीड़ भाड़ में मना रहा वो यार, क्या खतरनाक एक्सप्रेशन चेहरे का गुस्सा, मान गए बॉबी भाई मान गए, क्या सीन था वो। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ये ठोट आपको आया कहाँ से, मैं बचपना में उसकी मूवी देखा था, बादल, बिच्छू,
सोल्जर भाई वो एक्शन क्या करता था, अब तो यार गोलमाल का तुषार कपूर बना दिया उनको, कुछ बोल नहीं रहे वो, उनको कम से कम एक डायलॉग मतलब कि कहाँ से आया ये थॉट के इनको गुंगा बनाओ। यार सुपरस्टार रह चुके हैं वो 90s में, ये जो आजकल के सुपरस्टार बने हुए हैं ना वो 90 के सुपरस्टार थे वो, उस वक्त बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर दे दिए हैं वो। और सबसे बड़ी बात उनको स्क्रीनिंग टाइमिंग कम है भाई, 15 मिनट। अरे भाई जो एक्सपेक्टेशन था बॉबी देओल को लेके वो खरा नहीं उतरा, और ये लोग क्या किए बॉबी देओल के नाम पे हाइप बना दिया, टीजर में एक झलक दिखा दिया 1, 2, 3 वो मतलब समझ रहे हो, जाओ थिएटर में समझ में आ जाएगा, वैसे जो बोलता है ना वो समझ में आ जाएगा, जाके देख लो थिएटर में, मतलब पूरा हाइप बॉबी देओल के नाम पे। विलन है क्या विलन है भाई, 10 मिनट के लिए विलन, लिटरली पूरा बॉबी देओल का ना काम और ज़्यादा होता ना मज़ा आ जाता। और कहीं ना कहीं ये बॉबी देओल का फैंस है ना, और खासकर बॉबी देओल के जो भाई हैं सनी देओल उनके फैंस भी जाएंगे, क्योंकि उनके गदर 2 ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हुई है, तो जाहिर सी बात है वो जाएंगे ही देखने, तो उनको बहुत बड़ा डिसअपॉइंट देखने को मिलेगा। उनको तो फर्स्ट हाफ में तो बॉबी देखने को नहीं मिलेंगे, अगर सेकेंड हाफ में मिलेंगे भी तो कम मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है बॉबी देओल के फैंस तो गाली देख के ही बाहर निकलेंगे। वाइफ के साथ जाए तो कृष्णिका मंदाना मुझे वहाँ नहीं जमी। और अगर मैं बात करूँ रणवीर कपूर की, बॉबी देओल का कैसा हो गया पता है क्या आपको, मतलब स्टार्टर दिखा कर पीछे ले लिया, मतलब आपको इनवाइट किया कि आओ खाना शादी में भर भर के मिलेगा, बट जैसे आप खाना खाने गए ना तो खाना ख़त्म हो गया। बॉबी देओल का कुछ ऐसा सीन था यार, मतलब आप इतने बड़े एक्टर को जिसने मतलब रेस 3 से कमबैक किया सलमान खान के साथ, उनका नेगेटिव रोल हमने आश्रम में देखा, आप ऐसे एक्टर को यार मतलब मिसयूज़ कैसे कर सकते हो। संदीप वांगा रेड्डी आपको जेल होनी चाहिए इसके लिए, मतलब आप कैसे इतने बड़े एक्टर का मिसयूज़ करते हो, मतलब आप उनको गूंगा बना दिए। अरे भाई वो बंदे को कुछ बोलने तो दो, आपने 2 सीन में पूरा ख़त्म कर दिया। एक तो इंट्रोडक्शन, उनका इंट्रोडक्शन इतना थका हुआ दिया यार, मतलब बोलते ना कि घर पे मेहमान आया सलाम दुआ किया और चला गया, वैसा उनका इंट्रोडक्शन था। जिस तरह का रणवीर कपूर का इंट्रो था ना, उनके इंट्रो में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और सेकेंड हाफ बॉबी देओल का मतलब फाइटिंग सीन्स एंड था उनका वो, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया बॉबी देओल का जो काम। हालांकि वो एक्टर बहुत अच्छा है, पोटेंशियल भर भर के पड़ी है उसके अंदर, बट संदीप वांगा रेड्डी पूरा कंसंट्रेशन आपने रणवीर कपूर के ऊपर, भाई वो खानदानी एक्टर है, आप जानते नहीं हो शम्मी कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर खानदान से चला रहा है उनका, ये 3री पीढ़ी है, वो तो एक्टिंग उसके खून में भरी है। उसको मत सिखाओ एक्टिंग कैसे करनी है, उनको सिखाओ जिनको आपको सिखाना था, जो आपने नहीं सिखाया आपको आई एम श्योर आपके ऊपर FIR होनी चाहिए इसको लेके। अच्छी है बॉबी देओल का काम बहुत अच्छा। अरे बॉबी देओल का भी ठीक है, हाँ बोले बॉबी तो बहुत बहुत बढ़िया, क्या बोलूँ बॉबी, इतना उन दोनों का फाइट इतना अच्छा है, क्या बोलूँ यार मैं। तो बाद में हाफ में जो शादी का सीन बताया है उसमें वो पिक्चर में जान डालता है, और लास्ट में जो फाइट करता है वो फाइट भी बहुत ज़बरदस्त है। नहीं नहीं आश्रम से तो बहुत अलग रोल लिया है, लेकिन थोड़ा इसमें डायरेक्टर को रोल और देना चाहिए था बॉबी देओल के ऊपर। हाँ बॉबी देओल को रोल देना चाहिए था, बॉबी देओल के लिए 5 स्टार और रणबीर कपूर के लिए 3 स्टार। हाँ मैं बॉबी देओल के लिए पिक्चर देखने आया था, बॉबी देओल ही मेरे को नहीं दिखा उतना, लेकिन बॉबी देओल को सीन और देना चाहिए था रेंडी वांगा को। फर्स्ट हाफ ठीक था, पिक्चर में सही है, कोई थोड़ा भी बोरिंग पिक्चर है ये, और बॉबी देओल को थोड़ा सीन और देना चाहिए था संदीप रेंडी वांगा को, ये पिक्चर में सीन छोड़ और देना चाहिए था उसको, मुश्किल से 12 से 11 मिनट तक का सीन दिया है इसमें, पूरा पिक्चर में पूरा का पूरा जान बॉबी देओल पे ही है, उसमें सीन ही नहीं दिया है उसको, जिससे ट्रेलर में वो दिखाया था बस उसी में 2-4 मिनट और दिया है सीन, जो ट्रेलर में सीन है वही बॉबी देओल का सीन है, उसके बाद जो सीन है वो पूरा रणबीर कपूर के ऊपर है, लेकिन पिक्चर को पूरा आगे लेके जाता तो बॉबी देओल ही। रणबीर कपूर तो इस पिक्चर का हीरो है, लेकिन पिक्चर जिस पे शोभ रहा है एनिमल पे, तो एनिमल पूरा फुल का फुल बॉबी देओल का ही लुक दिया भाई, पूरा बॉबी देओल ही उस पर है, एनिमल वही बना हुआ है, लेकिन अभी विलेन है वो, उसको थोड़ा और पिक्चर संदीप रेंडी वांगा को पिक्चर के लिए उसको और सीन देना चाहिए था, मुश्किल से 12 से 7-8 मिनट का सीन है भाई लास्ट में। जो रणबीर कपूर मेन लीड कपूर के ऊपर कमी कुछ नहीं है, लेकिन जो पिक्चर का जो हार्ड वर्किंग है ना वो सिर्फ बॉबी देओल पे ही है। रणबीर कपूर के लिए 3 स्टार। दो काटे के एनिमल का रोल बॉबी देओल ले लिया है ना, पूरा एनिमल वही है भाई, पूरा एनिमल वही है। हाँ मेंशन नोट, थैंक यू। ठीक था उनका भी मतलब अच्छा था, बॉबी देओल की बहुत अच्छी एक्टिंग थी। बॉबी देओल का रोल मेन विलन उनको दर्शाना चाहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम रोल था, 5 से 10 मिनट के अंदर उनको निपटा दिया। बाकी खाली बॉबी देओल का एंट्री इंट्रोल के बाद वो पहले हो जाना चाहिए था। बॉबी देओल मेन विलन दिखा रहे, इतना बॉडी बना भाई, 7-8-10 मिनट का रोल भी नहीं है प्रॉपर, वो आए बस वो फाइटिंग सीन अच्छा था रणबीर सिंह का, रणबीर कपूर का और उसका,
बॉबी देओल का, और बना सकते थे, राइटिंग में गड़बड़ी हुआ लेकिन फिर भी अच्छी मूवी आप देख। वो तो ब्रिलियंट थे, एकदम ब्रिलियंट एक्टिंग। सुपरस्टार पंजाबी मुंडा मेरे पिंड का। बहुत अच्छे लगते हैं। बॉबी सर को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दो। एक्टिंग बहुत अच्छी थी, विलन परफेक्ट। थैंक यू। सॉरी, बॉबी देओल आउट से। मैंने बताया आपको, बॉबी देओल की जब एंट्री हुई थी कभी किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि उनका वो ऐसा, मतलब आई होप सभी ने बादल मूवी देखी रहेगी, मैं स्पॉइलर नहीं देगा लेकिन सबको जाओ एक एक मिनट। अच्छा, बहुत कम है, 10-15 मिनट का तो काम है उसका, बट ठीक है, अच्छा है, अच्छा लगा। सब सब स्टोरी पूरी नहीं बताऊंगा, बट ठीक था बॉबी देओल के, वो ओवर शैडो हो गया थोड़ा, रणबीर कपूर ने ओवर शैडो कर दिया, बल्कि उसको दिया था थोड़ा बहुत बॉबी देओल को करने के लिए, पर ओवर शैडो कर लिया रणबीर कपूर ने। इसको कांचा ने एंट्री मारी थी संजय हीरो से, वैसे इसने भी एंट्री मारी। अब इसके एक्सप्रेशन, इसने जो फिल्म का बताया ना, कर्ज में एक बताया था विलन गूंगा होता है, उसी तरह इसमें भी गूंगा है, इन्हें बातें डायलॉग ही नहीं उसके अंदर, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी की है, एक्शन बहुत, आखिरी का एक्शन बहुत ज़बरदस्त है। बॉबी देओल इज बेस्ट, रोल है बॉबी देओल का लेकिन खा गया सबको। रणबीर कपूर बेस्ट, लेकिन मैं सच्ची बोलूँ तो रणबीर कपूर से ज़्यादा रोल अच्छा था बॉबी देओल का, छोटा रोल था बट इम्पैक्टफुल रोल था। रश्मि का रोमांस तो कमी था, वो क्या बोलेंगे अभी। वेरी क्यूट, शी इज वेरी नाइस, लाइक हर साउथ इंडियन फिल्म्स आल्सो वेरी नाइस, सो नाइस। I don't think he is suiting as a villain, but his action was nice. That's all I can say. इतना नहीं जितना मैंने expect किया था, but quite good. अंदर एक थोड़ा सा मैं नाराज हुआ तो बॉबी देओल सर, मतलब इतने हाइप हुई है बॉबी, है बॉबी इस फिल्म में, बट लेकिन उनको इतने छोटे से रोल में, वो भी सेकंड हाफ में, तो रखना चाहिए था, मैं नाराज हुए। बट उनका लुक और उनका जो अदाई थी बॉबी सर की, वो बहुत भरी थी, और अनिल कपूर की फिल्म का 10 मिनट का, आधा घंटे का काम है, बहुत अच्छा है उसका भी वाला, जोया के साथ वो भी बहुत अच्छा रोल किया है, एकदम फंटास्टिक है बॉबी देओल यार, क्लासिक है वो। रश्मि ओके, अच्छा काम है उसका, इतना रोल नहीं दिया उसे बट ओके। बॉबी देओल फैंटास्टिक, इज ऑलवेज फैंटास्टिक, आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ हिज, एंड वेरी वायलेंट आल्सो, एंड वेरी गुड कैरेक्टर बॉबी देओल का, माइंड ब्लोइंग, अच्छा किया, सब लोगों ने अच्छा काम किया, फैबुलस, माइंड ब्लोइंग, एकदम फैंटास्टिक किया उसने बॉबी देओल का। हाँ, उसका थोड़ा बहुत सीन है, पर एक नंबर है उसका भी सीन। रश्मि का मंदाना का इतना कुछ खास काम तो नहीं है ये कहूँगा मैं, पर रणबीर कपूर का बहुत बढ़िया काम है इसमें। देखो उनका सीन तो ज़्यादा नहीं है और ना डायलॉग है, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पे बंदा आ रहा है ना, वो खाली एक्सप्रेशन से, और मतलब उसके पूरे फेस एक्सप्रेशन से दिल जीत ले रहे, आंखों से खा जाएगा ऐसा, खा जाएगा मतलब, आंख से देख रहा है बोले खा जाएगा ऐसा लगता है, मतलब ये कि इसके बाद ऑफर आने चाहिए। अभी तक किसी भी बॉलीवुड डायरेक्टर ने ऐसा एक्सट्रैक्ट किया नहीं था बॉबी देओल को, एक साउथ का डायरेक्टर आ रहा है उसने एक्सट्रैक्ट करके दिखा दे कि बंदे में इतनी पोटेंशियल है, तो तुम सीखो कुछ और उसको अगर निकालो उसके अंदर का जानवर बाहर। ये बात सही है, और यही अपन ने भी देखा, अभी जितने अपने टॉप स्टार बॉलीवुड एक्टर्स है